नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना अंतर्गत मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी राधेश्याम की बैटरी की दुकान है और उनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। वो किसी तरह अपना काम करके अपने परिवार को चला रहे हैं। पास में ही शिव बाबा मंदिर है, वो जिसके सदस्य भी हैं। मंदिर में लगे बैटरी को 28 तारीख को चोर चुरा कर उनकी दुकान पर ले गया। बैटरी को देखते ही राधेश्याम बैटरी को पहचान गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस नहीं पहुंची तब तक चोर को उन्होंने उलझाए रखा। पुलिस के पहुंचते ही चोर और बैटरी को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। 29 तारीख को दोपहर में पुलिस ने चोर को छोड़ दिया। इस बारे में जब पीड़ित ने पुलिस से पूछा तो पता चला कि चेयरमैन के दबाव की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। उसके बाद चोरों ने राधेश्याम के घर पर आगजनी कर दी, जिसकी सूचना पुलिस को लिखित और ऑनलाइन भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित को लगातार धमकी मिल रही है, जिससे पीड़ित डरे हुए हैं। पीड़ित ने बताया कि चेयरमैन के दबाव में पुलिस ने चोर को छोड़ दिया और वह अब हमें परेशान कर रहा है। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अभय सिंह का कहना है कि कमेटी की तरफ से शिकायत की गई थी, लेकिन सुलह नहीं किया गया। पुलिस ने चोर को कैसे छोड़ा ये तो वही जाने। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि कानून की मदद करके अगर हमने गलत काम किया है तो गलती तो अब हमसे हो ही गई है। हालांकि हमने कोई गलत काम नहीं किया था। चोरों की तरफ से धमकी भी मिल रही है और पुलिस मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे गुनहगार हम ही हो। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ अब आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि अब हमें न्याय व्यवस्था पे भरोसा ही नहीं रह गया है। आपका राधेश्याम अग्रहरी। आपके साथ जो घटना घटी किस तरीके से घटना घटी हो? 28 तारीख को शाम को शिव बाबा मंदिर से बैटरी चोरी हुई थी। उस एक बैटरी को चोर हमारे यहाँ बेचने लेकर आया और हम चोर को रंगे हाथ पुलिस के साथ पकड़वा दिए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। चेयरमैन के दबाव में छोड़ दिया और 30 तारीख को वो लोग मेरा घर फूकने आए थे और जिस घर में अगर आग लग जाती तो हम लोग 7 लोग जिंदा जल जाते। 7 लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है चेयरमैन के सह पर, क्योंकि चेयरमैन ही उन चोरों को छुड़ाए हैं और चेयरमैन के वजह से उन चोरों के साथियों जो साथी हैं 3-4 लोग उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम थाने पर दरोगा ने कहा कि आपके चेयरमैन जो है और टाउन एरिया के एक लोग आकर के और समझौता करके उस चोर को छुड़ाए हैं, जबकि जो है FIR शिव बाबा कमेटी के लोगों ने दर्ज कराई थी। मतलब 7 लोग कौन आपके परिवार? मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, 4 लड़के हैं, 2 लोग हम हैं, एक हमारे रिश्तेदार का लड़का रहता है। इस मकान में हम लोग 7 लोग रहते हैं। 7 लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। कितने बजे की घटना है ये? 12-1 बजे की घटना है और ये चेयरमैन के सह पर हो रही है घटना। हाँ, चोर को इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मुख्यालय पे आकर के, हम अब 7 परिवार हैं, 7 परिवार आत्मदाह करेंगे, क्योंकि ये 7 परिवार को एक बार जलाने की कोशिश हो चुकी है। तो अगर जान ही देना है तो मैं वहाँ जा करके जान दूंगा, ताकि लोग देखें कि ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है।